नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट ये है कि शबनम को जब पता चला कि ताज पीएम से मिलने जा रहा है तो शबनम ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्या उसे उम्र कैद नहीं चाहिए या उसे आज़ादी पसंद नहीं है? क्या शबनम के मन में कुछ अलग प्लान है, कुछ अलग विचार है? ये सब कुछ आपको आज के वीडियो में, बस 2 मिनट के वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दे चैनल को, साथ ही घंटी जरूर बजा दे ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि आखिर शबनम ने क्यों मना कर दिया पीएम से मिलने के लिए ताज को, क्या वजह थी, वो सब कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। दोस्तों शबनम के कानों कान एक खबर आई कि उसका बेटा ताज मिलने जा रहा है पीएम से, और पीएम से मिलने के बाद जो है वो अपनी माँ के लिए जो कह सकते हैं उम्र कैद मांग सकता है या फिर आज़ादी मांग सकता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन जब ये बात शबनम को पता चली कि उसका बेटा जा रहा है, तब उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है वो उसे पता है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि शबनम जानती है कि उसे फांसी देना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे जो कह सकते हैं ऑप्शन हैं अभी शबनम के पास बचने के, इसीलिए बचने का कहने का मतलब है टाइम डिले करने का, तो तुम्हें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि शबनम साफ साफ जानती है कि अगर उसका डेथ वारंट जो है इशू भी हो गया तो भी वो इतनी जल्दी फांसी पे नहीं चढ़ेगी। तो इसीलिए अभी शबनम जाने के लिए नहीं कह रही है ताज को कि अभी वो समय नहीं आया है। यानी कि उसका कहना है कि अगर कोई भी रास्ता नहीं बचेगा फिर तुम पीएम के पास जाना। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि शबनम को लगता है अभी भी कि अभी भी उसके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन अगर है तो इसीलिए वो ये जो आखिरी रास्ता है पीएम के पास जाने का वो अभी नहीं ताज को बोल रही है जाने के लिए। क्या ताज अपनी माँ की बात सुन करके नहीं जाएगा पीएम के पास, ये सबसे बड़ा बात है। क्या ताज चुपचाप बैठा देखता रहेगा अपनी माँ की जो ये हालत है? देखते हैं क्या होता है। क्या शबनम के कहने पे ताज वहीं पे रुका रहेगा? देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो करना है क्या आपको, करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।